दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमित शाह और मोदी जी के ऊपर लगाए जाने वाले आरक्षण की एलिगेशन के बारे में, जिस पर एक अमित शाह का आरक्षण खत्म करने का एक एडिटेड किया हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बारे में यह बताया जा रहा है कि आरक्षण को मोदी जी आने वाले तीसरे टर्म में ख़त्म कर देंगे। इसके बारे में मोदी जी का क्या कहना है, आइए इस वीडियो में हम इसे देखते हैं। वीडियो शुरू होती है अब थोड़ी ही देर में, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। और वीडियो पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दें। तो वीडियो शुरू होती है अब। दोस्तों, जैसे कि आपको पता हो ही गया होगा, हमारे चैनल का नाम है राजस्वम स्टडी पॉइंट, और आपको हम अपने चैनल पे हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें प्रोवाइड करते रहते हैं। इंडी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन ने मिल करके एक नए वीडियो एडिट किया है, और उसमें अमित शाह जी का एक वीडियो एडिट करके वायरल किया है। उसमें वायरल करके उन्होंने ये प्रमाण दिया है कि उन्होंने तीसरे टर्म में आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। इस पर मोदी जी का क्या बयान है, जरा इसको सुनिए। इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आम्बेडकर चाहे तो बाबा साहब आम्बेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं, मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। सैकड़ों सालों के साथ जिनको अन्याय हुआ, हमारे पूर्वजों ने पाप किए होंगे, मेरे लिए ये प्रायश्चित का अवसर है, और इसलिए आरक्षण को जितनी ताकत मैं दे सकता हूं, मैं देने के लिए कमिटेड हूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देख करके आपको समझ तो आ ही गया होगा कि आरक्षण तो हटने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले 60 से 65 70 सालों में कांग्रेस ने भारत की जो स्थिति कर दी है, उस स्थिति से भारत को उबारना इन 10 सालों में मोदी के बस के बात नहीं थी। मोदी ने अभी और भी आने वाले कुछ टर्म में कुछ कड़े फैसले लेने बाकी हैं, जिन फैसलों के बाद ये तय हो जाएगा कि भारत कुछ अपनी स्थितियां सुधार सकता है, और उसके बाद हमारी स्थिति मजबूत हो जाएगी और हम दुनिया के टॉप 3 लिस्ट में आ जाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए